तेईस मार्च उन्नीस को लोगों का एक हजूम था तहद नगा लोग थे उनके दिलों में जोश था और उनके लहू में छुपा जुनून था आंखों में आंसू लिए कायद की पुकार पर अपना घर बार छोड़कर सब इकट्ठे थे सबका एक दूसरे से ना खूनी रिश्ता था ना मसलकी ना ही कोई और ख़ास मफाद और सबका दिल एक था और उनकी जबान पर बस एक नारा था लेके रहेंगे पाकिस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान सरजमीन वतन की आज़ादी के हसूल ने उन सब को एक कर दिया और सब एक कायद की आवाज़ के साथ मिलकर चल रहे थे और कायद भी वो था कि जो कहता उसे मनवाना भी जानता था एक आग थी जो भड़कने जा रही थी सिंधी बलोची पंजाबी बंगाली सब एक थे और वह सब मुसलमान थे ये वो दिन था जिस दिन दुनिया ने एक ख्वाब को ताबीर में डलते देखा वो दिन 23 मार्च 1940 सौ इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास का दिन था ये दिन मुसलमानों की आज़ादी और अलग वतन के हसूल का दिन था और इस दिन अलग वतन यानी पाकिस्तान के हसूल के लिए करारदाद पेश की गई और इस करारदाद को मुतफिका तौर पर कबूल करना पड़ा इस करारदाद में असूल मरतब किए गए कि जहाँ जिसकी मजहब के लिहाज से अक्सरियत है वो वहाँ यकजा होकर एक अलग और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाए हिंदू प्रेस ने इस करारदाद का मजाक उड़ाया और इसको अहमियत नहीं दी मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये ख्वाब पूरा होने वाला था शेर बंगाल अबुल कसीम ने यह करारदाद पेश की और इस करारदाद की हमायत सबसे पहले चौधरी जमान ने की और इसके बाद मौलाना जफर अली खान सरदार औरंगजेब खान हाजी अब्दुल्ला हारून नवाब इसमाइल खान काजी मोहम्मद ईसा और आई आई चंद्रीगढ़ ने भी इस क्रारदाद की हमायत का ऐलान किया इस क्रारदाद के बाद आज़ादी और क्याम पाकिस्तान के लिए मुसलमानों की ज़हद को वाज शक्ल मिल गई और ये ख़्वाब पूरा होता नज़र आने लगा और आखिरकार चौदह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को बरसगीर में एक आजाद इस्लामी मुमलगत पाकिस्तान का क्याम अमल में आया तेईस मार्च का दिन हम सब के लिए खुशी का दिन होता है और इस दिन मुल्क के कई शहरों में तकरीबा का अहतमाम किया जाता है इन तकरीबा में पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स और बहरिया की तरफ से परेड का अहतमाम भी किया जाता है पाकिस्तान हमारी सरजमीन है हमारी पहचान है हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यह वतन हमें कई साल की जिदोजहद मेहनत और कितनी जानों की कुर्बानियाँ देने के बाद मिला क्या जिस देश में हम सुकून और आज़ादी की जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो